कुछ कहा और है। अरे बदरा ये बदरा छाए के झूले राम बिरे में परेशान क्या कथनी क्या अब माता जानकी तो शक्ति क्यों अरे शक्ति रह रहे शक्ति शक्ति कैसे रह सकती जाने की शक्ति है और लंका में अकेली है। अब समस्या है रिंकी जी कि कैसे बिचारी उन राक्षसियों के बीच में अपने आप को जीवित रख सकती है। तो मैं मुझको कहना पड़ा क्या एक शक्ति रह रहे शक्ति शक्ति कैसे रह शक्ति शक्ति की साधक शक्ति जानकी जानकी क्या ओ जान ले जानकी क्या आखिर जानकी है क्या यही तो बाल लालवन कह रहा है। एक प्रश्न छोड़ा था कि आखिर माता गंगा धरती पे निवास पाताल में निवास आकाश में निवास लेकिन यहाँ पर क्या निवास। फिर एक बात छोड़ सकता हूँ अरे शक्ति की साधक शक्ति जान की जान की क्या ओ भगवान।
की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आ रही है सम्मानिया रिंकी जी। हेलो हेलो चखालो चखालो हेलो हेलो हेलो। बहुत ही सुंदर सभी आप लोगों ने कार्यक्रम सुना, सुंदर सा जवाब, सुंदर सा गीत और जो होना चाहिए वो भी। मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, हल्दी की गांठ मिली। अरे हमने कहा, हमने तो यही कहा ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं पर पायल मिली है, बिल्कुल, कहीं पर फिर हमारा चूड़ा मिला है, कहीं पर मुद्रा मिली है, अब कहीं पर हल्दी मिली है। लेकिन इतनी गारंटी से मैंने नहीं कहा कि लालू भाई आपकी ये लाइन गलत है, नाम कह सकते हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने ही बताया है कि अगर रचनाकार जो है आपका जवाब लिख रहा है या गीत लिख रहा है तो वो हर कीर्तन लिख रहा है, सही। तो आप तो उस लाइन को काट सकते हैं, लेकिन रिंकी तिवारी की औकात नहीं है कि एक भी पंक्ति वो भी हरि कीर्तन की काट सके कि आपने ये गलत गाया। अगर मैं हरि कीर्तन काटती हूँ तो ऊपर जाना है, मुझे जवाब देना है, और जो काटते रहते हैं उनको वैसा मिल रहा है, ईश्वर उनको वैसे काट रहा है। इसलिए आप ये कार्य ना करें, आप अच्छा गाएंगे आपकी अच्छी प्रशंसा होगी, आप अच्छा बोलेंगे आपकी अच्छी प्रशंसा होगी, बस कुल मिला के आप हरि कीर्तन करें, आप हरि को ना काटें। ये बात है, गाते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आधा घंटा ले आज तीन सिकोड़ना भूल गए हैं, आपने छोड़ दिया, हमने आधा घंटा लेट हो गए थे, बस नहीं पहनना शुरू किया है, बल्कि समेटते नहीं है, हमारे गुरुओं ने सिखाया नहीं है ना भैया। लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात आई है, और जो आपकी ओर से आदेश है वो भी शिरोधार है, कारण समय में देख रही हूँ और जनता जो है इसको बंद कर दो। सिटी 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 फिर तुम बोल दी। हेलो हेलो इसको मत कम करो भैया। हेलो 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 हल्का सा बेस डाल दीजिए। हेलो 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 अब आप समझिए हम दोनों कलाकार कैसे गा रहे हैं, इतनी आवाज खींच रहा है हमारी, हमारी तो गेंगे ही बदली जा रही है, जैसे हम लोग गा रहे हैं वो परमात्मा ही जानता है। दत्ता लेकिन निवेदन है, दोबारा जब हो तो हमको बता देना, हम कानपुर से अपनी गाड़ी में लाद लाएंगे। नहीं हम और कुछ ना लाएंगे और माइक लाएंगे। हाँ भले टीटू को छोड़ा है लेकिन हम साउंड लेके आए हैं, निकाल दे लेकिन साउंड नहीं आएगा क्या भाई। ढोलक की चाटी देख लीजिए, चाटी देख लो, हमको भी देख लो थोड़ा, उसके लिए मेज हटानी पड़ेगी। साउंड बहुत बढ़िया बोल रहा है। रांदे लल्ला यू चलो जे। हेलो ये बात, हेलो हेलो दूसरा वाला देख ली। हेलो हरी ली, हेलो एक एक, हेलो हरी वाली। अच्छा हेलो 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 बड़ क्यों नहीं रहा। हेलो 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 चलो इसे काम चलाओ, क्या करें, आधी आवाज तुम लोग की इसे ही चली जाती है, चेक करने में चलो बेटा चलो। हेलो हेलो इसको बढ़ा दो आप, नीचे बंद कर दो, हाँ पावर ऊपर तो बंद। हेलो हेलो दूर की कैचिंग बनाइए घुस के। हेलो सही है, हेलो हेलो हम लोग खुल के गाते हैं, घुस के नहीं गाते, हमारा बढ़ा दो। हेलो ये बात अब आया तो बोलो बोलो बोलो। हेलो 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 रहने दो, सही है, लेखक वाला माइक बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं, हमारा चालू कर दीजिए। संजय भैया जवाब लिखने का है क्या, ना गलत बात, पर्चा मत आउट करिए, हारमोनियम बंद है बस ये है। हेलो हेलो चलिए बहुत अच्छा है।
तर्ज बहुत अच्छी आई है। प्रयास है आदरणीय भैया की तरह तो नहीं, लेकिन कुछ प्रयास करूंगी मैं भी। आप लोग खड़े हैं तो बैठ जाएं, क्योंकि कीर्तन सुना जाता है, कीर्तन देखा नहीं जाता है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, बैठ जाइए। नहीं नहीं अभी कहाँ, जब हम लोग जाएं तब आप जाइएगा। अभी कोई नहीं जाएगा, अब कुछ लोग बचे हैं, आप लोग तो कम से कम साथ दें। अभी कोई नहीं जाएगा, हमारा चक्र खत्म हो तब जा सकते हैं। बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। देखो कितना अच्छा लग रहा है, लोग मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि प्रातःकालीन वेला है। चलते हैं, पहले जवाब सुन लीजिए, क्योंकि भैया का आदेश है कि सवाल जवाब छोड़ दिया जाए, कुछ खास पर चला जाए, लेकिन उधारी नहीं होनी चाहिए। पता चला श्याम नगर में हमको रोक ले भैया, जवाब नहीं दिया था तो समस्या है, हम वो काम नहीं करेंगे। संजय भैया अपनी ड्यूटी करिए आप आके। हाँ सही है, तर्ज आई है, पहली तर्ज सुनिए, उसके बाद जो उधर से मर्ज आया है उसको आप लोगों ने सुना है, तो जो मर्ज है उसका इलाज यानी जवाब के रूप में आप लोगों को सुनाऊंगी मैं। आई तर्ज आई, गिरजा भैया आदरणीय। अरे बदरा है, स्वयं में बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। आपकी ओर से, इस भैया की ओर से 51 रुपए आए हैं, मैं अपनी ओर से ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हूँ। और हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, नारायण जी के लिए श्री दे गए हैं आप। अब असली वाली भी मिल जाए तो फिर काम बन जाए। अभी देखना गुड्डू भैया भी देंगे, भले चाहे 51 आने वाली है। और क्या, देखो आ रहे हैं। ये हम दोनों लोगों के लिए 51 रुपए का पुरस्कार है। कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया कहाँ गए, भैया नाम बता दो, वहीं से बोल दीजिए, कान बहुत तेज है मेरे।
संजय भैया की ओर से ये 51 रुपए आए हैं, ये तीसरे संजय मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी ओर से, 51 रुपए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, धन्यवाद है। बहुत अच्छी बात आप लाए हैं। आपने बताया माता जानकी अशोक वाटिका में बैठी हैं, तो शक्ति रह रह शक्ति, शक्ति कैसे रह सकती, शक्ति की साधक शक्ति जानकी, जानकी क्या जान ले, जानकी क्या जान ले। अब आइए भगवान राम, जवाब मेरी ओर से आप सुनेंगे। भगवान राम पशु पक्षियों से तालाबों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, आपने मेरी जानकी को देखा है क्या, आपने मेरी सीते को देखा है। और जब पूछते पूछते बाबा भोलेनाथ की नजर पड़ी कि मेरे स्वामी वन वन विचर रहे हैं, प्रणाम किया, माता सती ने देखा, बोले स्वामी अरे आप तो देवों के देव महादेव हैं, एक साधारण वनवासी को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी, ये साधारण वनवासी नहीं है, ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे देव हैं। माता नहीं मानी, बोली क्या किया जाए, बोले जाइए परीक्षा ले लीजिए। माता जानकी का रूप बनाकर माता सती आई और बीच मार्ग में बैठ गई, प्रभु राम की नजर पड़ी, बोले माता आप यहाँ तो फिर पिताजी कहाँ, बस लौट कर गई। भोलेनाथ ने पूछा आपने परीक्षा ली, माता जानकी झूठ बोल गई, नहीं स्वामी मैंने परीक्षा नहीं ली। और जैसे ही कहा भोलेनाथ ने शिव संकल्प की मन माही, यह तन सती भेंट अब नहीं, माता का परित्याग कर दिया। अब देखिए जब जानकी का रूप बनाकर मैया आई हैं, सती सीता, सती सीता का रूप बनाकर आई, अब देखिए होता क्या है, सुनिएगा प्रयास। क्योंकि है तो माँ, पत्नी ने माँ का रूप बना लिया तो प्रत्याग कर दिया, तो देखिए कहना पड़ा, शक्ति बन गई शक्ति, इधर सती शक्ति और उधर शक्ति बनकर गई है, शक्ति बन गई शक्ति, अरे शक्ति क्या कर नहीं सकती, क्या बात है, ऐसे कौन सा कार्य है जो ये सती शक्ति कर नहीं सकती, वो सब कुछ कर सकती है, तो अरे शक्ति बन गई है शक्ति, शक्ति क्या कर नहीं सकती, तो शक्ति का टूटा अभिमान है। राम ने जैसे ही कहा माता, तो बस अभिमान टूट गया, समझ में आ गया कि ये कोई साधारण वनवासी नहीं है, तो कहना पड़ा शिव की मानी, ओ शिव की भी मान ले जो वो शिव की, क्या बात है, क्यों, अरे शक्ति बन गई है शक्ति, अरे शक्ति क्या कर नहीं सकती, तो शक्ति का टूटा अभिमान है, तो शिव की भी हो तो बिछो नहीं होता और उधर अपमान भी नहीं होता।
तो शिव की भी मान ले। ये मेरी ओर से आपके खंड गीत का प्रयास। आइए, गीत बहुत सुंदर आया है, उसका भी प्रयास है क्योंकि भैया का आदेश हुआ है। अब थोड़ा टॉपिक बदल दिया जाए, प्रातःकालीन मेला हो गई है, संजय भैया दौड़ के आ जाए।